चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 है बच्चा, वो प्रैक्टिकली कैसा है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर फिगर जो है वो गिवन नहीं है, वो हमें ढूंढनी है। चलो बच्चा, तो पहले हम समझना शुरू करते हैं। एंगल एक्स वाई जेड इज 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उन्होंने जो बोला वही हमने ड्रॉ कर दिया। एंगल यहाँ पे बोला एक्स वाई एंड आप बोलोगे यहाँ पे जेड, ये जो एंगल है वो 64 डिग्री का है। आगे चलते हैं एक्स वाई टू पॉइंट पी, तो हमने जो वाई पॉइंट से है वहां से एक पॉइंट पी ले लिया, यहीं कहीं पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन, तो हमने ये यहां तक ये फिगर ड्रॉ कर दिए, समझ में आया। इसके बाद आगे चलते हैं, इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो मतलब ये जो एंगल है एक वाई क्यू हमने ड्रॉ किया, जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द रिफ एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू, तो आप बोलोगे सर ये यहां से लेके यहां तक, एंड आप बोलोगे क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, तो ये वाला एंगल और एक्स वाई क्यू, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है। हमें दो चीज ढूंढनी है, तो वो दोनों अभी ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा आप जो बोलोगे यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो पहले गिवन में क्या है, तो गिवन में आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं यहाँ पे, आप बोलोगे एंगल जेड वाई पी, जो जेड वाई पी है वो आधा है किसके, तो आप बोलोगे सर ये जो आधा है वो जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, एंड दूसरा होगा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। यहां तक समझ में आया? अभी इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इज इक्वल टू एक्स कर दिया। क्या कर दिया? इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, और टोटल जो एंगल होगा वो दोनों को मिला के होगा। यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हम आगे जा सकते हैं। हमें ये पता है, ये आप देखोगे तो ये रे मतलब ये लाइन है एक्स वाई एंड पी, और यहां से हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एक है 64 है और ये एक्स है और ये एक्स है। तो आप बोलोगे सर कहना बहुत सिंपल सी बात है, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180, सम ऑफ द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। तो लिखना शुरू करते हैं, पहला एंगल ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और तीसरा हम लिखेंगे ये वाला वाई क्यू इज इक्वल टू 180। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है हमारा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो बच्चा हम यहां पे बोलेंगे 64 और यहां पे आप बोलोगे x और x, तो यहां हमने लिख दिया x एंड x 180। क्लियर? 64 को दूसरी साइड ले जाएंगे और ये आप बोलोगे 2 प्लस मतलब x प्लस x 2x, और ये 180 माइनस 64। क्लियर यहां तक? तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा 60 करोगे तो 120, तो यहां पे होगा 120 में से 4 जाएगा तो 116, इसको डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 50, और आप बोलोगे सर यहां पे डिवाइड होगा तो हो जाएगा 50, ये डिवाइड होगा तो 100 को डिवाइड करोगे तो 50, और ये 16 को डिवाइड करोगे तो 58, मतलब आपको 116 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 58। तो ये इसके साथ हमारा x मिल गया। तो आप बोलोगे सर हमें x मिल गया तो क्या काम में आएगा, तो हम ये ढूंढ सकते हैं x y q, ये वाला x y q। तो आप बोलोगे सर ये कैसे ढूंढेंगे, तो बच्चा ये तो हमें पता है कि ये एंगल जो बन रहा है वो इस वाला एंगल, जिसमें हम बोलेंगे x y p, x
वाई पी और दूसरा जो एंगल है यहां पे पी वाई क्यू। इतना होने के बाद बच्चा आपको ढूंढना है एक्स वाई क्यू, वो बोला हुआ है ये वाला एंगल एक्स वाई एक्स वाई क्यू। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल है, हम लिख सकते हैं एक्स वाई क्यू, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो सिंपल एक्स वाई जेड प्लस, आप बोलोगे सर जेड वाई क्यू, तो यहां पे लिख दिया Z। आप बोलोगे सर यहां पे 64 है, आपने x की वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ के रखी हुई है वो 58 है, तो आप प्लस करोगे 64 प्लस 58, तो आप बोलोगे यहां पे 12, ये हो जाएगा 112, तो ये पॉइंट भी हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना तो बहुत सिंपल है बच्चा, आपको जिसका रिफ्लेक्स ढूंढना है तो वो लिखते हैं एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे क्यू वाई पी जो आप बोलोगे सर क्यू वाई पी है कितना, तो क्यू वाई पी बच्चा हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है क्यू वाई पी, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 58 है, रिफ्लेक्स हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलोगे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58। सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो यहाँ पे आप बोलोगे 302। कितना लिखोगे बच्चा 302। और एक लाइन मैंने जो नहीं लिखी है वो लाइन लिखनी है तो लिख सकते हो यहाँ पे बीच में। आप बोलोगे सर ये x जो अज्यूम किया था ना z y q इज इक्वल टू पी वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 58, बस ये लिख देना तो आपका काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ प्रॉपर है। स्टेप में खाली वो ध्यान में रखना है कि ये एंगल को हमने कैसे डिफाइन किया, ये जो एंगल है वो एक्स वाई क्यू वाला पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, लॉजिक प्रॉपर अप्लाई करना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। शांति से प्रॉपर पहले लिख लो बच्चा, इसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के 3 सम, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।